हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जब भी आप पाइथन की बात करते हैं तो अगर नेगेटिव की बात करें, अगर हमको नेगेटिव जो है स्लाइसिंग करनी हो या कुछ ऐसा करना हो जिससे मतलब लेफ्ट साइड से चीजें ना करके राइट साइड से प्रिंट हो, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? यानी बैकवर्ड काउंटिंग कह सकते हैं इसे। अगर इस तरह का काम आपको करना है तो कैसे कर सकते हैं? अगर मान लीजिए कोई भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने एक लिस्ट ही बना लिया, ठीक है, अब LST नाम से एक लिस्ट बनाया यहाँ पे और इज इक्वल टू लिखा और यहां पर अब काउंटिंग लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पे मान लीजिए मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो यहां 9 तक मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हर बार कॉमा लगा हुआ है यहां पर, यानी सेपरेट करने के लिए मैंने कॉमा लगा दिया है। अगर आप सिंपली इसको प्रिंट करवा देते हैं LST को, तो LST अगर प्रिंट करवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि क्या प्रिंट होगा, ये पूरी की पूरी काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी। तो यहां पर इसको चला के दिखाता हूं, देखिए ये पूरी की पूरी काउंटिंग ही प्रिंट हो रही है, ठीक है। लेकिन यहां पर ट्विस्ट है थोड़ा सा, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां पर एक और यहां पर आ जाता हूं, यहां पर देखिए यहां पर नीचे आता हूं और यहां पर एक बी नाम से या बैकवर्ड नाम से बना लेता हूं, बनाया है LST नाम से, तो यहां टाइप करेंगे LST और LST करके और यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे और इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉलन से कॉलन तक क्या दिया मैंने, कॉलन से कॉलन तक, यानी पूरे की बात हो रही है और यहां पर मैं -1 कर देता हूं, बस इतना सा किया है मैंने। अब ये देखिए, अब ये कहेगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये उल्टा जो है प्रिंट करके हमें देगा चीजों को, ठीक है। और हमें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे जब हमने बैकवर्ड लिया हुआ है तो यहाँ पे बैकवर्ड को ही प्रिंट कराना, LST को प्रिंट मत करवाइएगा। अगर आप LST को प्रिंट कराएंगे तो फिर वही चीजें प्रिंट हो जाएंगी, क्योंकि जो LST में है वही प्रिंट होगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, LST को बैकवर्ड करने के लिए यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, तो यहां पर जैसे ही हम जाएंगे ना, क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल इसी का ठीक उल्टा हो रहा है, यानी दो बार कॉलन लगा करके यहां -1 कर दिया है, तो ये इस तरीके से आएगा। अब इसमें सवाल ये भी उठता है कि ये तो नंबर की काउंटिंग है, क्या यहां पर हम कोई जो है लिस्ट बनाते हैं, अगर मान लीजिए फ्रूट्स की लिस्ट बनाते हैं, बुक्स की लिस्ट बनाते हैं, तो क्या वो भी बैकवर्ड आएगा? तो यहां देखिए, पहले मैंने पाइथन लिखा, ठीक है, फिर यहां पे कॉमा दिया, फिर यहां पे जावा लिख देता हूं डबल कोट कॉमा में, तो ये लिख दिया जावा, ठीक है। फिर यहां पे क्या करता हूं, जावा लिखने के बाद यहां पे कॉमा लगाता हूं, VBA लिखता हूं, VBA विजुअल बेसिक एप्लीकेशन, फिर यहां पे आता हूं तो फिर यहां पे कॉमा लगाता हूं, फिर यहां पे डबल कोट कॉमा में लिख देता हूं कॉटलिन, तो यहां पे कॉटलिन लिख दिया। तो इस तरीके से कुछ चीजें हमने लिख दी। अब अगर मैं इसको, यानी ये देख सकते हैं यहां पे, ये बैकवर्ड को अगर मैं प्रिंट कराता हूं, तो ऐसे में पहले पाइथन है, जावा है, फिर VBA है, फिर कॉटलिन है, तो अगर मैं इसको चला देता हूं तो आप देखेंगे कि पहले कॉटलिन आ रहा है, फिर VBA आ रहा है, फिर जावा आ रहा है, फिर पाइथन आ रहा है, यानी दोनों ही केसेस में ये ट्रिक काम करेगी आपकी, ठीक है। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि अगर आपको बैकवर्ड चलना यानी जो है उल्टे साइड से आपको चीजें प्रिंट करानी है, तो इस तरीके से दो बार कॉलन लगाइए और यहां -1 लिख दीजिए। अब ये -1 लिखने का मतलब यही है कि आप पीछे से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे, क्योंकि यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, कॉलन और कॉलन है, तो ये लास्ट तक जाएगा। अच्छा, एक बार कॉलन लगाने से क्या होगा, एक बार कॉलन लगाने से क्या प्रिंटिंग होगी, क्योंकि आपको पहले मैं दिखा चुका हूं, ठीक है, ये चीज। तो यहां पर अगर एक बार कॉलन लगाएंगे तो एक बार कॉलन लगाने से ये होगा कि अभी देखिए यहां पर लास्ट में क्या था, कॉटलिन था, कॉटलिन है ना, यहां पर लास्ट में क्या है, कॉटलिन है, तो कॉटलिन को छोड़ करके बाकी सारी चीजें प्रिंट हो जाएंगी, खाली कॉटलिन नहीं प्रिंट होगा क्योंकि यहां -1 लग गया। आप दो बार लगा देंगे तो ये हो जाएगा कि सबको प्रिंट करना है, दो बार लगाने का मतलब यही होगा, ठीक है। तो यहां देखिए दो बार लगाकर चला रहा हूं तो ये सबको प्रिंट कर रहा है, कॉटलिन भी प्रिंट कर रहा है, VBA भी प्रिंट कर रहा है, जावा भी, और उल्टे डायरेक्शन से प्रिंट कर रहा है, ठीक है।